हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कैरेटोमीटर के बारे में, कि कैरेटोमीटर किस तरह यूज़ करा जाता है, उसमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कैरेटोमीटर करते टाइम, किन किन चीज़ों की वजह से कैरेटोमीटर की रीडिंग गलत आ सकती है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं आज ऑप्टम लवकुश चौधरी। और ये सारी चीज़ें आज हमें ये बताएंगे कि किस तरह इसको यूज़ करना है और किस तरह की इसमें दिक्कतें आती हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज हमारे साथ ऑप्टम लवकुश चौधरी। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या बताते हैं आज, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं ऑप्टम लवकुश चौधरी, मैं आज आपको कैरेटोमीटर के बारे में बताना चाहूँगा। ये कैरेटोमीटर है, इसकी कैसे काम करता है, इसकी फुल जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये अप एंड डाउन है, जो इसमें जो पेशेंट्स जो होते हैं उसकी कॉर्निया को हम एडजस्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन करके। ये एक आपका नॉर्मल आईज है, जो एक आर्टिफिशियल आईज इसमें लगी हुई है, उसके अंदर हम उसको दिखाएंगे उसके पावर कैसे चेक करते हैं। ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस पॉइंट है, इसको हम फोकस कर सकते हैं आगे पीछे करके। ये चिन रेस्ट है, चिन रेस्ट ये पोर्शन होती है, इसको हम पेशेंट का यहाँ चिन रखकर इसके को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरफ आइए, ये लॉक है, जिस टाइम में हम इसको लॉक कर सकते हैं इसको, ये लॉक सिस्टम है इसका, इससे हम ये चिन रेस्ट जो होता है इसको हम लॉक कर सकते हैं, तो ये मूव नहीं करेगी यहाँ से। ये इसका दो पॉइंट होती है, K1 और K2 वैल्यूज आती है उसमें, ये वर्टिकल पोर्शन है और इसके दूसरी तरफ जो है ये हॉरिजॉन्टल वैल्यूज है। इस तरीके से हम इसको पेशेंट्स की आई का कॉर्निया का कर्वेचर निकाल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ये इसको K2 वैल्यू भी बोलते हैं, और ये वर्टिकल ये K1 होती है, और ये इसको हम मूव भी कर सकते हैं अगर एडजस्ट करना हो। इसको हम एक्सिस आती है इसके, इसके एक्सिस में हम इसको रोटेट करके हम इसको उसको आई को एडजस्ट करके हम देख सकते हैं। सर मतलब ये जो एक्सिस है ये इस एक्सिस की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये जो यहाँ पे एक निशान दे रखा है ये? हाँ हाँ। तो इस पे ये हमारा पता लगता है कितने एक्सिस पे, ये 90 का डिफरेंस लिया जाता है। ओके ओके ओके। और K2 के वैल्यू ओके ओके डिफरेंस में, ठीक है सर। सर एक बार और बताएंगे कुछ चीजें इसमें जो हम एक बार आप मायर्स मिला के दिखा सकते हैं हमें क्या? हाँ मैं मायर्स हम मिला सकता हूं। ये एक आर्टिफिशियल इसमें प्रोस्थेटिक आई लगी हुई है। अच्छा, इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये क्या होता है, पेशेंट्स को हम सीधा बैठा कर इस पे इसका चिन रेस्ट यहाँ पे रखकर इसके जो फोरहेड होता है यहाँ टच करना होता है। ओके। टच करके फिर उसको बोला जाता है कि इसके दूसरी तरफ इसके जो नोड्यूल्स लगे हुए हैं इसमें अच्छा। देखना होता है, नोड्स जो होते हैं इसी की तरफ देखना होता है, ताकि हम उसकी आई पे प्रॉपरली उसके कॉर्निया में प्रॉपरली फोकस कर सकें। ओके सर। ओके सर, अगर यहाँ पे अगर पेशेंट अगर थोड़ा ऊपर नीचे करता है तो यहाँ पे दिक्कत आती है मैट्स में? मायर्स में दिक्कत आ सकती है, वो एडजस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसको हमें क्या करना होता है, फोरहेड पूरा टच होना चाहिए इसके, ठीक है, और चिन पूरा अच्छी तरह यहाँ पे एडजस्टेबल होना चाहिए, उसके बाद इसको एडजस्ट करना होता है, एडजस्ट करके उसको हम चेक कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अगर इसका फोरहेड टच नहीं होगा तो मायर्स की जो चीजें होती हैं वो ऊपर अप एंड डाउन हो सकती है, कुछ गलतियां हो सकती है उसके। ओके ओके सर। ओके ओके सर, और क्या मतलब एक बार मायर आप चेक करके बता दीजिए यहाँ पे। मायर्स मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है सर। इसमें बेसिकली हम कौन से आईज का यूज करेंगे? इसमें सबसे पहले राइट आईज का यूज करते हैं, एंड सेकेंडली हम इसको लेफ्ट आई का यूज करते हैं। अच्छा, मतलब पेशेंट अगर लेफ्ट में बैठा है कौन सी किस तरह से यूज करना होता है कि कॉर्निया किस चीज में ज्यादा डिफेक्टेड है। अगर मेरे को प्री वो होती है आपकी आई सर्जरी होती है, अगर वो आई ऑलरेडी सर्जर हो चुकी है तो हम सेकेंड आई का करेंगे, अगर वो नहीं हुई होती है तो उसका पहले हम करेंगे। अगर उसमें कोई चोट वोट लगी है तो उस आई का नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली उस आई का नहीं करेंगे, हम दूसरे आई का हम करेंगे इजीली। अच्छा ठीक है सर। सर आगे बताइए एक बार आप चेक करके। जो दूसरी वैल्यूज होती है ये कॉन्टैक्ट लेंस के लिए होती है, इसमें दो टाइप के वैल्यूज होती है, एक इस तरफ होती है जिसको K1 वैल्यू बोलते हैं, और दूसरी वाली जो वैल्यूज है वो वैल्यूज होती है जो उसके कर्वेचर के लिए होती है, जो कॉन्टैक्ट लेंस में काम आती है। अच्छा ठीक है सर। इसमें हम क्या करते हैं इजीली, मैं आपको करके दिखाता हूँ।
इसको एडजस्ट करना होता है अच्छा अच्छी तरह ओके ताकि हम उसको देख पाए। इसमें देखिए दो टाइप के मायर्स आ रहे हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। एक अभी इसको वर्टिकल पोर्शन तक मिला नहीं है, अभी मैं मिला के दिखाऊंगा। इसमें आपने देखा कि इसके हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल मार्क्स जो होते हैं, जो वर्टिकल मार्क्स होते हैं वो माइनस माइनस है और जो हॉरिजॉन्टल मार्क्स है वो प्लस प्लस है, लेकिन अभी आपने देखा कि इसके अंदर वो मिले हुए नहीं है। तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कि उसको कैसे, उसको हम पहले वर्टिकल पोर्शन से मिलाना होता है एंड देन फिर इस तरफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको फिर हमें ऐड करना होता है उन दोनों को। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। ये इसको मैंने रोटेट किया, ये आ गया, ये मैंने वर्टिकल पोर्शंस कर दिया। उसके बाद में क्या करूँगा, मैं हॉरिजॉन्टल पोर्शंस को मायर्स को मिलाऊंगा। ये मैंने मिला दिया फोकस, ये देखिए ये अब इसके मायर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मायर्स मिल चुके हैं। इसमें जो एक रेड लाइन है मायर्स के जस्ट सामने, इसको हम नोट डाउन करते हैं। ये 45.25 का डिफरेंस है इसमें, तो ये 45.25 हो गया। ये जो 25 जो करेक्शन होती है वो एस्टिग्मेटिक करेक्शन होती है, और यहाँ पे 45 एक्यूरेट आ रही है वैल्यूज। अगर हम देखेंगे तो बड़ी वाली रीडिंग देखिए हॉरिजॉन्टल पोर्शन में 45 आ रही है, तो ये K2 वैल्यूज हो गई और ये K1 वैल्यू हो गई। इनके बीच का डिफरेंस अगर 0.25 या 0.5 अगर आता है वो एस्टिग्मेटिक डिफरेंस होता है। उसमें एक्सिस का होता है वो कितना डिफरेंस है, एस्टिग्मेटिक एरर जो होते हैं उसको डिफाइन करता है। तो गाइस यहाँ पे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है अभी तक केरेटोमीटर के बारे में, केरेटोमीटर किस तरह यूज़ होता है, केरेटोमीटर में क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह उसकी रीडिंग देखते हैं, किस तरह उसकी रीडिंग K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, फोकस किस तरह करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बताई आज हमें ऑप्टन लकुश चौधरी ने। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी केरेटोमीटर के बारे में। तो गाइस अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारीज हो, प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम उसका आंसर जोड़ देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आगे भी काफ़ी सारी आने वाली हैं। और गाइस इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को पता चल सके कि केरेटोमीटर को किस तरह यूज़ करते हैं, इसका क्या पर्पज़ होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।